देखिए, जो शंकुआकार प्रक्षेप है इसमें हम एक मानक शंकु प्रक्षेप कर चुके हैं, दो मानक शंकु प्रक्षेप कर चुके हैं, हम बोन प्रक्षेप कर चुके हैं और अभी हम बहुशंकुक प्रक्षेप, जिसको पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको करेंगे। ये जो पॉलीकॉनिक कॉनिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसमें और हमने जो तीन प्रक्षेप किए थे उनमें एक जो चारित्रिक डिफरेंस है वो ये है कि इस प्रक्षेप में हम कल्पना करते हैं कि एक नहीं बल्कि शंकु जो है वो एक से अधिक है, अनेक शंकु है, ठीक है। जो अक्षांश है, जैसे 75 डिग्री के अक्षांश को एक अलग शंकु छू रहा है ना, 60 डिग्री वाले को अलग शंकु छू रहा है, 45 डिग्री वाले को अलग शंकु छू रहा है, मतलब जो जो अंतराल के हिसाब से हमें जो जो अक्षांश हमें बनाने हैं, ऐसी कल्पना की जाती है कि उन सभी को अलग अलग शंकु छूते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शंकु छूने के हिसाब से जब हम इस प्रक्षेप की रचना करते हैं तो हम इसमें एक चीज देखते हैं कि हम चूंकि अलग अलग शंकुओं की कल्पना करते हैं और वो शंकु किसी निश्चित अक्षांश को छूते हैं, तो वो सारे के सारे अक्षांश मानक अक्षांश के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है, है ना। तो जो अक्षांश हैं, है ना, उन पर काफी हद तक हम मापनियों को शुद्ध बनाए रख पाते हैं, ठीक है, लेकिन जो देशांतर है वो इसमें जिस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, और अक्षांशों के बीच की दूरियां जिस तरह से केंद्र से प्रक्षेप के दोनों किनारों की तरफ बढ़ती जाती है, उसके कारण देशांतरों पर मापनियां बहुत तेजी से बिगड़ती है जैसे जैसे हम प्रक्षेप के मध्य भाग से बाएं या दाईं ओर किनारों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही इस शंकु को हम लोग देखेंगे बनते हुए, तो वो सारी चीजें हमें समझ में आएगी कि इस शंकुआकार प्रक्षेप में कैसे चीजें पिछले प्रक्षेपों की भांति नहीं है, थोड़ा अंतर है। अब इसमें एक मूलभूत अंतर ये भी आ जाता है कि जब हम अनेकों शंकुओं की कल्पना करते हैं तो अब तक तीनों प्रक्षेपों में जो हमने अक्षांश बनाए थे वो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप थे। कारण ये है कि हम इन तीनों में एक ही शंकु की कल्पना रखते हैं, लेकिन बहुशंकुक प्रक्षेप में क्योंकि हम अनेक शंकुओं की कल्पना करते हैं इसलिए हमारे अक्षांश इस प्रक्षेप में असंकेंद्रीय वृत्तों के चाप हैं, संकेंद्रीय वृत्तों के चाप नहीं हैं। इसका मतलब हम अक्षांशों के लिए जो चाप खींचते हैं वो एक ही बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर नहीं खींचते, बल्कि अलग अलग बिंदुओं से चाप खींचे जाते हैं। और कैसे खींचे जाते हैं इसको अभी हम रचना विधि के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लिए चलता हूं रचना विधि पे। हम रचना विधि को समझते हैं कि ये बहुशंकु प्रक्षेप है, इसकी रचना विधि क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं, ठीक है, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, संशोधित शंकु प्रक्षेप है ये, और प्रत्येक अक्षांश वृत्त जो है उस पर मापनी शुद्ध बनाए रखी जाती है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश जो है वो अपनी वास्तविक लंबाई का होता है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षांश जो है वो मानक अक्षांश होता है, ठीक है। बोन की भांति इसमें भी समस्त अक्षांशों के साथ साथ केंद्रीय मध्यान रेखा जो होती है उस पर भी पैमाना शुद्ध होता है, ठीक है। अब देखिए, बोन में और बहुशंकु प्रक्षेप में जो मूलभूत अंतर है, जिसके कारण बहुशंकु प्रक्षेप तो समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है लेकिन बोन है ना,
तो उसके देखो कारण देखिए कि हालांकि बोन में भी जब हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जाते हैं तो जो देशांतर है वो धीरे धीरे वक्राकार होते जाते हैं और उनकी वक्रियता धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। इसके कारण वो अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़े थोड़े बड़े भी होते जाते हैं। बोन में ये अशुद्धता धीमी गति से आती है, परंतु बोन में अक्षांशों के बीच की दूरी सर्वत्र एक जैसी पाई जाती है, अर्थात अक्षांश समानांतर होते हैं, इसलिए देशांतरों के सहारे होने वाली ये अशुद्धि जो हम देखते हैं, इसके बावजूद भी उसमें समक्षेत्रता का गुण बना रहता है। बहुशंकुक में ऐसा नहीं होता। बहुशंकुक में चूंकि अक्षांश अलग अलग केंद्रों से खींचे गए वृत्तों के चाप होते हैं, संकेंद्रीय वृत्तों के चाप नहीं होते हैं, इसलिए इस प्रक्षेप में आप केंद्रीय मध्याह्न रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात अक्षांश इसमें समानांतर दूरी पे नहीं होते। और जैसे जैसे अक्षांशों में दूरी बढ़ती है तो लाजमी है कि देशांतर भी अपनी वास्तविक लंबाई से तेजी से बढ़ते हैं, तो उन पर भी बहुत तेजी से अशुद्धि आती है। यही कारण है कि बोन में तो समक्षेत्र का गुण बना रहता है, लेकिन बहुसंख्यक प्रक्षेपों में समक्षेत्र का गुण नहीं बना रह सकता। बहुसंख्यक प्रक्षेप में जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं किनारों की तरफ, तो आकृति एवं आकार दोनों की अशुद्धियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। बोन में आकृतियां जब हम प्रक्षेप के केंद्रीय भाग से दूर जाते हैं किनारों की तरफ तो बिगड़ती हैं, लेकिन बहुशंकुक में आकृतियों में विकृति बोन से भी ज्यादा तेज होती है। बोन में कम से कम क्षेत्रफल तो बने रहते हैं, इसमें क्षेत्रफलों की विकृतियां भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अब आप इसको पहले इसका डायग्राम देखिए, उसके बाद समझिए। ये देखिए, ये जो दूरी है ये दो अक्षांशों के बीच की शुद्ध दूरी है, है ना? लेकिन आप देखिए कि ये दूरी है ना, और इसकी तुलना करिए इस दूरी से, एक नहीं है ना, ये जो दूरी मैं अब दिखा रहा हूं ये ज्यादा है। फिर आप देखिए ये दूरी और इसकी तुलना करिए इस दूरी से, ठीक है। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है ना कि इस प्रक्षेप में अक्षांश समानांतर नहीं होते, ठीक है। अब यदि ये दूरी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि हमारा देशांतर भी बड़ा हो गया, है ना, उसी अनुपात में देशांतर भी बढ़ गया। तो ये तो है देशांतर, ये शुद्ध लंबाई का, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो देशांतर जैसे जैसे उसका वक्राकार बढ़ता जाता है, वक्र का आकार बढ़ता जाता है, देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा बड़ा होता जाता है, है ना। तो किनारों पे तो अशुद्धियां बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। हाँ, इस प्रक्षेप में बोन की भांति समस्त जो अक्षांश हैं वो अपनी शुद्ध लंबाई के हैं, ठीक है। अब देखिए, हम जब इस प्रक्षेप की रचना को समझते हैं तो हम यहां पर एक उदाहरण लेकर चलते हैं, ठीक है, और उस उदाहरण के साथ साथ हम इस पूरे शंकु प्रक्षेप की रचना कैसे होती है उसको समझेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, हमारे पास एक बहुशंकु प्रक्षेप बनाने के लिए जो दिया गया है वो ये है, नंबर वन मापनी जो निरूपक भिन्न के रूप में है, और वो है 1:12 करोड़, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो धरातल पर 12.5 करोड़ सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है, ठीक है, है ना। और मैंने कहा था ना कि अब ये तो इकाई मुक्त होता है निरूपक भिन्न, लेकिन चूंकि हम यहाँ सारा परिकलन सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे, तो मैंने इसको इसीलिए ये माना है
कि 1 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 12.5 करोड़ सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अंतराल 15 डिग्री का है और विस्तार में यदि हम देखें तो अक्षांशीय विस्तार तो है 30 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर और देशांतरीय विस्तार है ग्रीनविच लाइन अर्थात 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब है तो मुझे बताइए कि ये तो प्रक्षेप का पूरा विस्तार है, तो प्रक्षेप की जो मध्यान रेखा होगी है ना, सेंट्रल मरीडियन होगी, वो कौन सी होगी? वो होगी 90 डिग्री पूरब, इन दोनों के बीच वाली है ना, 90 डिग्री पूरब। चलिए, आपको पता है कि कोई भी प्रक्षेप करते हैं तो सबसे पहले हम जो लघुकृत पृथ्वी का गोला है उसके त्रिज्या निकालते हैं, है ना। तो हम इसमें अंश में तो लेते हैं पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या की लंबाई जो कि 63.5 करोड़ सेंटीमीटर है और उसमें भाग देते हैं निरूपक भिन्न के हर का और ये 12.5 करोड़ है और जब हम इसका परिकलन करेंगे तो ये आएगा 5.08 सेंटीमीटर। ये दूरी प्रकार में भर के सबसे पहले हम आभासी पृथ्वी की रचना कर लेंगे। ठीक है, ये काम हम करते आए हैं, हमने एक मानक शंकु प्रक्षेप में भी किया था, 2 मानक शंकु प्रक्षेप में भी किया था, बोन में भी किया था, ये हमारा पहला स्टेप होता है, है ना। और हम क्या करेंगे, ये जो ओए रेखा है इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, है ना। ठीक है, हमें पता नहीं कि ये कहां तक बढ़ानी है, हम इसको बढ़ा के छोड़ देंगे। अब अगला स्टेप यहां पे नहीं दिखाया हुआ लेकिन आप उसी स्टेप को करिएगा हमेशा जो हम करते आए। 15 डिग्री का अंतराल है तो हम क्या यहां क्या करेंगे, 15 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है ना, और फिर ये जो 15 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये जो दूरी आती है ना 15 डिग्री के लिए, ठीक है, वो दूरी बराबर होगी किसके, इसके। क्यों? क्योंकि ये भी ये 30 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है तो अंतर तो 15 डिग्री का है ना, है ना। तो ये दूरी बराबर होगी किसके, इस सी डी दूरी के बराबर होगी। ठीक है, मैंने इसलिए बताया आपको कि हम वो बनाएंगे ताकि हमें ये ध्यान रहे कि भाई ठीक है सारे प्रक्षेपों में जब हम रचना करेंगे तो आभासी पृथ्वी का गोला बनाने के बाद हमें अंतराल दिखाना है। ठीक है ना, तो हमें पता रहेगा कि भाई ठीक है सब में करना है तो ये एक स्टेप है, अनिवार्य स्टेप के रूप में हमें याद रह जाएगा। सिर्फ इस सहूलियत के लिए मैंने बोला आपको कि हमें यहाँ 15 डिग्री का जो हमारा अंतराल है उसको भी प्रदर्शित करके और ये दूरी ले लेनी चाहिए। हाँ, हमें ये पता है, हम जानते हैं कि 15 डिग्री की के अंतर की दूरी चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ लें वो बराबर ही आनी है, उसमें कोई अंतर नहीं आना। ठीक है, तो और 15 डिग्री इसलिए लिया क्योंकि हमारा अंतराल 15 डिग्री है, अंतराल 10 डिग्री होता तो हम यहाँ पर 10 डिग्री का कोण बनाते हैं, है ना। और फिर ये भी है ना, ये 30 डिग्री का ये 45 का, तो फिर ये ऐसे नहीं होते, फिर यदि ये 30 का होता तो दूसरा 40 का। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें ऐसा नहीं है कि एक उदाहरण देखा और हम ये सोचे कि सारे प्रक्षेप ऐसे ही बनेंगे, नहीं, उदाहरण में हमें क्या दिया हुआ है उसको ध्यान में रखना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंतराल बनाते हैं, ठीक है, और ताकि हमें ये 15 डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी मिल जाए, है ना। इस उदाहरण में लेखक ने क्या किया, उसको यहाँ से ले लिया, ठीक है, वो भी गलत नहीं है ना, सी डी दूरी, इसको प्रकार में भरा और यहाँ पर एक चाप लगा दिया, ये चाप लगा दिया। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि ये काम हमने 1 मानक में भी किया, 2 मानक में भी किया, बोन में भी किया और यहाँ भी किया, तो अभी तक हमने कुछ भी अलग नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो विस्तार दिखाना है वो दिखाना है 30 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15-15 डिग्री का अंतराल है तो 30, 45, 60 और 75 ये 4 अक्षांश मुझे बनाने पड़ेंगे मेरे प्रक्षेप में। तो मैं क्या करूँगा, उन 4 अक्षांशों को पहले ड्रॉ कर लूँगा, ये मैंने बनाया 30 डिग्री, अर्थात इस बिंदु से 30 डिग्री का अक्षांश जो है वो छूते हुए निकलेगा, ये मैंने बनाया 45 डिग्री, ये मैंने बनाया 60 डिग्री और ये मैंने बनाया 75 डिग्री, है ना। और मुझे इतना ही विस्तार दिखाना है, प्रश्नानुसार
या उदाहरण के अनुसार मुझे इतना ही विस्तार प्रक्षेप में दिखाना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, जैसे मैंने एक मानक शंकु प्रक्षेप में और बोन में दोनों में केवल एक अक्षांश के लिए जो खींची गई रेखा है उस पर लंब डाला था, बस एक एक लंब डाला था, और एक ही लंब डालने की आवश्यकता थी, क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रक्षेप बनाना था है ना, उसमें जो मेरे अक्षांश वृत्त थे वो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप थे, इसलिए क्योंकि प्रक्षेप जो मुझे बनाना था उसमें कल्पना केवल एक शंकु की गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर कल्पना एक नहीं बल्कि अनेक शंकुओं की करी है, बहु शंकु, बहु मतलब अनेक, इसलिए ये जो आपने लंब डाला है इस 30 डिग्री की लाइन पे, ये वाला लंब, इसी प्रकार मैं हरेक अक्षांश पर लंब डालूंगा जो जो मुझे दर्शाने हैं। ठीक है, मैंने लंब डाला, ये देखिए मैंने लंब डाला 45 डिग्री पर, ये वाला, ये वाला, फिर मैंने लंब डाला 60 डिग्री पर, ये रहा, फिर मैंने लंब डाला 75 डिग्री पर, ये रहा। तो ये सब जो कोण बनेंगे, ये क्योंकि लंब डाल रहा हूं इसलिए ये सारे कोण 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, मुझे पता है कि इन सारे के सारे अक्षांशों को यदि मुझे मापनी अनुसार शुद्ध रखना है, अर्थात यदि मुझे इन अक्षांशों पर मापनी शुद्ध रखनी है, तो मुझे देशांतरों के बीच की दूरी को नाप नाप कर लेना होगा, जैसा कि मैंने बोन में किया था। प्रत्येक देशांतर पर, प्रत्येक अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरी नापने के लिए मैंने ये जो अक्षांश के लिए हमने लाइन खींची है, ये मेरे चाप को जहां पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, उस बिंदु से मैंने इस OA लाइन पे लंब डाला था। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही करेंगे, ठीक उसी तरह सारे लंब डालेंगे, तो हमें ये दूरियां मिलेगी K, K डैश। ये जो दूरी है ये 30 डिग्री अक्षांश पर मेरे देशांतरों के बीच की दूरी है। ऐसे ही 45 डिग्री अक्षांश पर ये दूरी आती है L, L डैश, 60 डिग्री पर M, M डैश, और 75 डिग्री पर N, N डैश। ठीक है, इतना काम करके और अब हम प्रक्षेप की रचना की ओर बढ़ेंगे। आभासी पृथ्वी के ऊपर मेरा काम अब खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने अन्य प्रक्षेपों को बनाते वक्त किया था, मैं सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दूंगा। मुझे अभी तक ये नहीं पता कितनी लंबी होगी, इसलिए थोड़ी लंबी बना के छोड़ दूंगा, है ना। और इसका जो सबसे ऊपरी बिंदु होगा, ये मेरे प्रक्षेप का शीर्ष है। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैंने सीधी रेखा बनाई है, ये मेरे प्रक्षेप की मध्यान रेखा है, केंद्रीय मध्यान रेखा है ना, सेंट्रल मेरिडियन। ठीक है, और क्योंकि मेरा विस्तार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व है, तो ये वाली जो रेखा होगी, ये वाली, ये मेरी होगी 90 डिग्री पूरब की, क्योंकि देखो एक 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा और ये 180 डिग्री पूरब, इनके बीच का जो देशांतर है वो 90 डिग्री पूरब ही होगा, है ना। और हम प्रक्षेप के मध्य में हमेशा देशांतरीय विस्तार का मध्य भाग दिखाते हैं, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये दूरी प्रकार में भरूंगा जी सी, ये दूरी प्रकार में भरूंगा। ठीक है, और मैं प्रकार का नुकीला हिस्सा यहां पे रखूंगा जी डैश पे, और ये दूरी जो मैंने प्रकार में भरी, मैं क्या करूंगा, इस दूरी का एक चाप बना दूंगा। अब
अभी मुझे ये नहीं पता कि इस ये चाप कितना लंबा होगा, तो थोड़ा बड़ा बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। ये मेरा 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री है ना, ये मेरा 30 डिग्री का अक्षांश है, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मेरा अंतराल 15 डिग्री का है, तो 30 डिग्री अक्षांश तो मैंने बना दिया है ना, और इस उदाहरण के अनुसार मुझे 30 से 75 डिग्री के बीच का विस्तार दिखाना है, 30 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर के बीच का, अर्थात मुझे 45 डिग्री का भी अक्षांश बनाना होगा, मुझे 60 का बनाना होगा, मुझे 75 का बनाना है ना। अंतराल के अंतराल है 15 डिग्री का, ठीक है। तो 15 डिग्री अंतराल के लिए जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो ये होगी, कौन सी, सी डी है ना, जिस दूरी को भरकर मैंने ये चाप बनाया था, तो ये दूरी मैं प्रकार में भर लूंगा, ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा यहां रखूंगा, नुकीला हिस्सा, और एक चाप काटूंगा यहां पे, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, इस सीधी लाइन पे मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मेरा है ना, मैं ध्रुव की ओर जा रहा हूं, तो ये 30 डिग्री है, तो ये मेरा 45 डिग्री का पॉइंट होगा 15 डिग्री के अंतराल पर। ठीक ऐसे ही समान दूरी पर यहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के मैं एक पॉइंट और ले लूंगा, ये मेरा 60 डिग्री के लिए पॉइंट हो गया, और फिर मैं एक पॉइंट और ले लूंगा है ना, ये मेरा 75 डिग्री के लिए पॉइंट हो गया। मैं चाहूं तो एक पॉइंट और ले सकता हूं, वो मेरे ध्रुव का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लिया, मतलब अभी तक मेरे पास में केवल एक सीधी रेखा है ना, जो केंद्रीय मध्यान रेखा है, और मेरे पास केवल 30 डिग्री का अक्षांश, बस इतना सा काम किया मैंने। इसके अलावा मेरे पास ये पॉइंट है जहां से मुझे 40-45 डिग्री का अक्षांश खींचना है, 60 डिग्री का खींचना है, और 75 डिग्री का खींचना है। अब देखिए, ये 45 डिग्री वाला जो चाप है, इसको खींचने के लिए मैं इस 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो लंब डाला था उसकी लंबाई लूंगा, डी एच, कौन सी लंबाई, डी एच, इसको प्रकार भरूंगा, यहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखूंगा, और मैं यहां पर उसका चाप काट दूंगा, तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा, और मेरा पॉइंट है एच डैश, क्या है ये, एच डैश। अब मैं प्रकार उठा लूंगा, और प्रकार का नुकीला हिस्सा अब यहां रखूंगा, और इस बिंदु पर मैं चाप काट दूंगा, पैंतालीस डिग्री का अक्षांश बनकर तैयार। अब देखो, पहला चाप तो मैंने काटा था यहां से है ना, 30 डिग्री वाला, और दूसरा चाप मैंने काटा है यहां से, तो ये क्लियर हो गया ना कि मेरे अक्षांश इस प्रक्षेप में संकेंद्रीय वृत्त के चाप नहीं है, बल्कि ये अलग अलग स्थान से बनाए गए चाप हैं, असंकेंद्रीय वृत्तों के चाप हैं। फिर मैं क्या करूंगा, ये 60 डिग्री वाली दूरी ई आई ये प्रकार में भरूंगा है ना, और ई आई दूरी प्रकार में भर के ये 60 डिग्री वाला पॉइंट था, यहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखूंगा, और मैं एक चाप यहां लगा दूंगा, ठीक है। फिर मेरे को ये आई डैश मिल गया, अब मैं प्रकार का नुकीला हिस्सा यहां ले आऊंगा, और ये दूरी मेरे प्रकार में भरी हुई है, और मैं ये चाप काट दूंगा, तो मुझे 60 डिग्री भी मिल गया। इसी प्रकार मैं ये 75 डिग्री के लिए एफ जे दूरी प्रकार में भरूंगा, इस बिंदु से मैं पहले यहां नुकीला हिस्सा रख के चाप लगाऊंगा, ये जे डैश पॉइंट मुझे मिल जाएगा, इस फिर मैं क्या करूंगा, प्रकार का नुकीला हिस्सा इस जे डैश पॉइंट पे ले जाऊंगा, और यहां से मैं, क्योंकि दूरी भरी हुई है ना, तो मैं इस दूरी का यहां चाप लगा दूंगा। इस दूरी का चाप लगाने से मुझे 75 डिग्री का उत्तरी अक्षांश मिल जाएगा।
इस तरह से मेरे अक्षांश पूरे बनकर तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए अक्षांश बनने के बाद मैं आगे वही प्रक्रिया दोहराऊंगा जो मैंने बोन में किया था। अब मुझे इन अक्षांशों पर देशांतरों के लिए बिंदु चाहिए, है ना, देशांतर खींचने हैं। तो मैं 30 डिग्री के अक्षांश पर, ये जो 30 डिग्री का अक्षांश है, इस पर देशांतरों के लिए बिंदु कितनी दूरी पे लगाऊंगा, देखो के के डैश, है ना, ये देखो लिखा हुआ भी है। मैं यहां से पहले प्रकार में के के डैश की दूरी भर लूंगा और फिर यहां से मैं समान दूरी पर ये बिंदु लेता हुआ चला जाऊंगा। पहला बिंदु लिया, फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रख के दूसरा बिंदु लिया, फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रख के तीसरा बिंदु लिया, है ना। ऐसे करके मैं बिंदु लूंगा 15-15 डिग्री के अंतराल पर और तब तक ये बिंदु लूंगा जब तक मेरा विस्तार जितना मुझे चाहिए, है ना, उसके लिए मुझे बिंदु नहीं मिल जाते। तो मुझे विस्तार चाहिए 0 डिग्री तक, तो 15-15 डिग्री पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो 15, 15, 6 की 90, अर्थात यदि मैं 15-15 डिग्री के अंतराल वाले 6 बिंदु लेता हूं तो मैं 90 डिग्री इधर दिखा पाऊंगा और मुझे 90 डिग्री ही दिखाना है। ठीक है, और ठीक ऐसा ही मैं इस तरफ भी करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला बिंदु होगा वो 75 डिग्री के लिए होगा, ये दूसरा 60 के लिए होगा, तीसरा 45 के लिए, चौथा 30 के लिए, पांचवा 15 के लिए और छठा 0 डिग्री के लिए। ऐसे ही इधर 105 के लिए 120, 135, 150, 165 और 180 डिग्री पूरब के लिए। जिस तरह मैंने इस अक्षांश पर बिंदु लिए हैं ठीक उसी तरह अब मैं 45 डिग्री अक्षांश पर यही काम करूंगा, लेकिन मैं दूरी लूंगा ये वाली, ये 45 डिग्री का अक्षांश है, है ना, और ये चाप को यहां काटता है, तो ये एल एल डैश दूरी प्रकार में भर के और मैं ये सारे बिंदु लगा लूंगा उसी विधि से दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है, सारे बिंदु अभी तक खाली मैंने पॉइंट लिए हैं बस, अभी मैंने देशांतर बनाया नहीं है। फिर मैं 60 डिग्री के लिए क्या करूंगा कि ये जो दूरी है एम एम डैश, है ना, जो 60 डिग्री वाले अक्षांश के साथ लगी दूरी है, इसको प्रकार में भरूंगा। देखो ये एम एम डैश का पहला पॉइंट लिया, फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के दूसरा लिया, ऐसे करके मैं यहाँ पर 0 डिग्री तक और यहाँ 180 डिग्री पूरब तक, इसके लिए मैं पॉइंट्स लगा लूंगा। ठीक यही मैं दोहराऊंगा 75 डिग्री के अक्षांश के लिए। ठीक है, तो 75 डिग्री का अक्षांश जो है मेरा, वो मेरा ये है, देखिए, तो मेरी देशांतरों के बीच की दूरी है एन एन डैश, तो इस एन एन डैश की दूरी को प्रकार में भर के और मैं ये सारे पॉइंट ले लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास में मेरे समस्त अक्षांशों पर मेरे पूरे देशांतरीय विस्तार के लिए बिंदु आ गए, आ गए। अब बॉन की तरह मैं क्या करूंगा, स्केल से नहीं, ठीक है, खुले हाथ से, है ना, बिना किसी नुकीले हिस्से के, है ना, खुले हाथ से कहीं भी मैं इसमें कोण नहीं बनाऊंगा, निष्कोण, स्मूथ निष्कोण लाइन बनाऊंगा, इन सारे 75 वालों को जोड़ दूंगा। सारे 75 वालों को जोड़ दिया, ठीक है, यदि मुझे ध्रुव दिखाना होता तो मैं इस लाइन को आगे ध्रुव तक भी बढ़ा देता, ठीक है ना। तो मेरी 75 डिग्री पूरब का देशांतर बन गया। ऐसे ही मैं मुक्त हस्त, है ना, खुले हाथ से, फ्री हैंड, इनको मिलाता जाऊंगा, मैं इसमें कोई कोण नहीं बनने दूंगा, है ना, निष्कोण बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा 60 डिग्री का देशांतर बन गया, है ना, 60 डिग्री पूरब। ऐसे ही मैं 45 डिग्री वाले सारे पॉइंटों को मिला दूंगा तो 45 डिग्री पूरब, ये मिलाऊंगा तो 30 डिग्री पूरब, है ना, फिर 15 डिग्री वाले मिलाऊंगा तो 15 डिग्री पूरब और 0 डिग्री वाले मिलाऊंगा तो ये ग्रीनविच लाइन। जैसे मैंने इधर किया है वैसा ही मैं इधर करूंगा तो मेरे ये सारे के सारे देशांतर जो हैं ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है,
मेरा बहुशंकुक प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। अब मैं देखो यहाँ पर, यहीं पर कुछ चीजें देखता हूँ। पहली बात कि इसमें जो प्रक्षेप में जो ध्रुव होता है वो बोन की तरह बिंदु के रूप में होता है, वो चाप के रूप में नहीं होता। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये ध्रुव है ना, ये बिंदु की तरह है ना, ये दूसरा उदाहरण है ना? अब देखिए, यदि इस प्रक्षेप में मैं इस भूमध्य रेखा के लिए इस रेखा पर लंब डालता हूं तो वो मेरा लंब वो इस रेखा को कभी नहीं छुएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भूमध्य रेखा के लिए कोई वक्र नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, इसीलिए बहुशंकुक प्रक्षेप में भूमध्य रेखा एक सरल रेखा के रूप में दिखाई जाती है। बस ये पॉइंट मिल जाएगा मेरे को। पॉइंट कैसे मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये जो अंतराल की दूरियां हैं ये नाप नाप के लूंगा तो 0 डिग्री का पॉइंट तो मुझे मिल ही जाएगा। मैं इस पॉइंट पे एक सरल रेखा खींच दूंगा सीधी क्षैतिज, है ना, बस यही मेरी भूमध्य रेखा है। तो बहुशंकुक प्रक्षेप में भूमध्य रेखा जो होती है वो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, और ये इसका विशिष्ट गुण है, और किसी में भी ऐसी नहीं होती। और मैंने बता भी दिया क्यों नहीं होती, क्योंकि आप यदि इसके ऊपर लंब डालते हो तो वो कभी भी OA रेखा को छुएगा नहीं, उसके समानांतर निकल जाएगा। ठीक है, और ये इसका ध्रुव है, ये वाला है ना। तो आप यदि देशांतर रेखाओं को आगे बढ़ाते हो तो वो सारी की सारी ध्रुव पर आकर मिलती है। तो ध्रुव इसमें बिंदु सदृश होता है। कैसा होता है, बिंदु सदृश होता है। ठीक है, नंबर दो है ना कि इसमें जो देशांतर सॉरी अक्षांश वृत्त बनाए जाते हैं वो अक्षांश वृत्त एक ही केंद्र पर प्रकार रखकर नहीं बनाए जाते, अर्थात वो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप नहीं होते, वो असंकेंद्रीय वृत्तों के चाप होते हैं। इसीलिए इन देशांतरों, इन अक्षांशों के बीच जो दूरियां हैं वो सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है, है ना। देखो यहां पर ये दूरी कम है, कम भी है, और ये दूरी ही वास्तविक दूरी है। केंद्रीय मध्यान रेखा पर जो दूरियां है ना, यही वास्तविक दूरी है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ये दूरियां बढ़ती जा रही है। जिस अनुपात में ये दूरियां बढ़ रही हैं उसी अनुपात में देशांतरों की लंबाई भी वास्तविक लंबाई से ज्यादा होती जा रही है, अर्थात देशांतरों पर अशुद्धता तेजी से बढ़ रही है। ठीक है ना, तो देशांतरों पर मापनी जो है वो तेजी से अशुद्ध होती है जब हम प्रक्षेप के केंद्र से दाएं या बाएं जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस प्रकार से अक्षांशों की प्रकृति भिन्न होती है इस प्रक्षेप में। इस प्रक्षेप में केवल और केवल केंद्रीय मध्यान रेखा या जो सेंट्रल मरीडियन है वही एकमात्र देशांतर है जिस पर मापनी शुद्ध होती है ना। ये गुण बोन में भी पाया जाता है। बाकी जब आप इस केंद्र से दूर जाते हो तो ये देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ी होती जाती हैं, तो इन पर पैमाने में अशुद्धि बढ़ती जाती है। ठीक है, अब एक ही अक्षांश पर जो देशांतरों के बीच की दूरी है ना वो समान रहती है। ठीक है, परंतु भिन्न भिन्न अक्षांशों पर है ना, जैसे यहां यहां इन दो देशांतरों के बीच की दूरी ये है और यहां पर देखो ये बढ़ गई है ना, तो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों के समीप कम और भूमध्य रेखा के समीप अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए आप इसकी पहचान और इसके गुणधर्म की बात करते हैं। देखो, भिन्न भिन्न बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्तों के भाग होने के कारण समस्त अक्षांश वृत्त असंकेंद्रीय चाप होते हैं और इनके बीच की दूरियां भी असमान होती हैं। ये पहचान का जो बिंदु है ये केवल और केवल बहुशंकु प्रक्षेप के लिए है। केंद्रीय मध्यान रेखा पर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी समान होती है। ध्यान रखना बेटा, ये चारों शंकु प्रक्षेपों में होता है
है ना, ठीक है। केंद्रीय मध्यान रेखा तो चारों में ही शुद्ध होती है ना, परंतु इस रेखा के पूर्व तथा पश्चिम की ओर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी जो है ना, या अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर, वो बढ़ता जाता है। ये केवल और केवल बहुशंकुत में होता है ना, बाकी तीनों में ये अंतर नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है ना। केंद्रीय मध्यान रेखा एक सरल रेखा होती है, शेष देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है। ये गुण इसका बोन से मिलता जुलता है, लेकिन बोन में क्या होता है कि ये वक्राकार आकृतियां जो होती है ना, है ना, ये थोड़ी ज्यादा वक्रीय होती है, बस इतना ही अंतर है। बोन में कम वक्रीय होती है, बहुशंकुक में ज्यादा वक्रीय होती है, है ना। चौथा पॉइंट, केंद्रीय मध्यान रेखा अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती है, केवल केंद्रीय मध्यान रेखा, ध्यान रखना, क्योंकि केंद्रीय मध्यान रेखा से जब आप दाएं और बाएं जाते हो तो देशांतर रेखाओं की प्रकृति वक्री होती जाती है, तो इसी कारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो आपस में प्रतिच्छेदन है वो तिरछा होता जाता है ना, फिर वो समकोण पर नहीं काटती है। अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन का ये तिरछापन जैसे जैसे केंद्रीय मध्यान रेखा से दूरी बढ़ती है बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए गुणधर्म देखते हैं। देखो इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों एवं केंद्रीय मध्यान रेखा परमात्म शुद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? आपने समस्त अक्षांश वृत्तों पर देशांतरों के बीच की दूरी को नाप नाप कर लिया है, इसलिए अक्षांश वृत्त उसी लंबाई के बने हैं जो उनकी वास्तविक लंबाई है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार केंद्रीय मध्यान रेखा पर भी आपने अक्षांशों के बीच की दूरी को नाप नाप कर लिया है और वो शुद्ध लिया है, इसलिए केंद्रीय मध्यान रेखा पर भी पैमाना या मापनी शुद्ध पाई जाती है, ठीक है। अक्षांश वृत्तों के असंकेंद्रीय होने के कारण इस प्रक्षेप में समक्षेत्रफल का गुण नहीं पाया जाता। मैंने शुरू में बताया आपको कि बोन में देशांतर रेखाओं में थोड़ा बहुत तिरछापन आने के बावजूद समक्षेत्रता का गुण पाया जाता है, क्योंकि बोन के अंदर जो अक्षांशों के बीच का अंतर है वो सर्वत्र समान पाया जाता है, अर्थात अक्षांश वहां पर समानांतर है। और इस बहुसंख्यक प्रक्षेप में हमें ये गुण देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इस बहुसंख्यक प्रक्षेप में बोन की भांति समक्षेत्र फल का गुण नहीं पाया जाता। ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, बहुसंख्यक प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, है ना। समाकृतिक भी नहीं है, समाकृतिक तो बोन भी नहीं है, और क्योंकि ये तो तय बात है कि कोई भी प्रक्षेप जो होता है यदि वो समक्षेत्र है तो समाकृतिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये दोनों नहीं है, ना तो समक्षेत्र है और ना समाकृतिक है, ना ही समदूरस्थ है, ठीक है। केंद्रीय मध्यान रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतरों की मापनी में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण यह प्रक्षेप यथाकृतिक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय मध्यान रेखा से दूर मानचित्र के सीमावर्ती भागों में आकृति और क्षेत्रफल में विकृति तेजी से बढ़ती है, ठीक है। आकृति भी तेजी से विकृत होती है और आकार भी तेजी से विकृत होता है, ठीक है। और पांचवा गुण है कि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को सरल रेखा के रूप में दिखाया जाता है। ये देखिए मैंने आपको दिखाया भी था, है ना, ये इसमें सबसे नीचे देखिए ये वाली लाइन ये भूमध्य रेखा है ना। और मैंने ये भी बताया कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि आप भूमध्य रेखा के ऊपर, है ना, ये जो यहाँ पर क्यू बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु पे यदि आप इस लाइन पे लंब डालते हो, है ना, ओ क्यू पे, तो फिर वो कभी भी ये जो ओ ए लाइन है इसको काटेगी नहीं, छुएगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, बल्कि इसके समानांतर चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चाप जो है बनाना तो संभव ही नहीं है, ठीक है। उपयोग, अब देखिए उपयोग हमें इसी बात से पता लग जाता है कि प्रक्षेप में शुद्धता कहाँ है, उसी से उसका उपयोग तय होता है ना।
कहां और कितनी शुद्धता पाई जाती है। तो आकृति एवं क्षेत्रफल शुद्ध प्रदर्शित न होने के कारण यह प्रक्षेप बड़े क्षेत्र के मानचित्रों के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। हाँ, छोटे क्षेत्र ठीक है जिनका देशांतरीय विस्तार कम हो, अर्थात पूर्व पश्चिम विस्तार कम हो, है ना, उनके मानचित्र के लिए यह काफी उपयोगी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में तो इस मानचित्र के ऊपर इवन जो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, टोपोशीट्स होती हैं, वो भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इवन कई मामले में जो बहुशंकु प्रक्षेप है उसके ऊपर हम भारत और भारत के क्षेत्रों के जो मानचित्र हैं, भारत और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मानचित्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो शंकु प्रक्षेप है वो ख़त्म होते हैं।